नमस्कार सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, राजी खुशी होंगे। दोस्तों उत्तराखंड में खूबसूरत सी जगह है, उसका नाम है मौंदाड़सू पट्टी में पड़ता है। पीछे आप मार्केट देख सकते हैं कि कौन सा मार्केट है, तो फिलहाल आपको मार्केट के दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं पहुँच चुका हूँ मौंदाड़सू पट्टी एकेश्वर ब्लॉक में, और चारों तरफ आप झंडे देख सकते हैं बीजेपी के चारों तरफ। तो खूबसूरत ये एकेश्वर बाजार, इधर की तरफ सारे महिला शक्ति हमारे बीच में, तो मात्र शक्ति पूर्व सपोर्टर भाजपा का गढ़। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पे सब लोगों में आज जोश है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। इस मार्केट में सभी मातृ शक्तियों को मेरा नमन, पूरे एकेश्वर वासियों को मेरा नमन। और एकेश्वर के लोग बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं कि दिल के साफ होते हैं, तो सभी लोगों को मेरा एकेश्वर वालों को प्रणाम। आज यही पता लगा है कि इस मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ इसलिए है कि आज जो हमारा विधानसभा जो है वो चौबटा खाली है, और आज वहीं जाने की तैयारी है। आज हमारे बीच में जो है पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय अनिल बड़ोड़ी जी और जो वर्तमान विधायक हैं वो भी आज पहुँचे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे कैसे गुजरता है, आपको ले चलते हैं। तो एकेश्वर बाजार कुछ इस प्रकार है, वो नीचे मार्केट था, ये थोड़ा अपर मार्केट है। देखिए छोटी छोटी यहाँ पे दुकानें हैं, लेकिन सब लोग पहाड़ों में रह रहे हैं तो सब संपन्न है। और देखिए जैसे शहरों में मकान है वैसे यहाँ पे भी हैं, पहाड़ों में काफी हाइट में ये क्षेत्र पड़ता है। सर्कुलर में पहुंचा था गणेश गुजराल जी को कांग्रेस का प्रत्याशी है, लेकिन आज ठीक उल्टा है। आज मैं एक ही स्वर मचो और भीड़ देखो, आप चेक कर सकते हो। तो उत्तराखंड में चुनावी समर जो चल रहा है उसमें कांग्रेस वाले भी पीछे नहीं है तो भाजपा वाले भी पीछे नहीं है, दोनों टक्कर चल रही है दोनों की। और साथ में अब जुड़ गए यहाँ पे भाई जी हमारे प्यारे से, तो क्या नाम से बोला? मेरा नाम जी ऋतिक चौहान, ऋतिक चौहान जी, ग्राम कांडई, तो बोला भी है चो, और शायद युवा मोर्चा अध्यक्ष हो, अध्यक्ष भी है। चलो बढ़िया बढ़िया, लेकिन भाभी जी दगड़म नमस्कार, कहते थे बोडी ना खटा चोड़ के मरण चलो निकल दो छोभी एक बड़े धीरे धीरे धीरे। तो मीन बाल चलो राजनीति हटिकन बात कर ला, और ये हम जो एकेश्वर में यानी एकेश्वर ब्लॉक में अभी ये चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मंदिर है, तो थोड़ा सा जब जा रहे हैं तो भगवान की स्तुति जरूरी है, और भोलेनाथ का तो मेरा बहुत ज़्यादा मन लगा हुआ है भोलेनाथ जी से। तो चलो आपको यहाँ एकेश्वर का बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन मंदिर सिद्धपीठ दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। तो इधर अभी मंदिर जा ही रहे थे तो यहाँ पे राजकीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज एकेश्वर, काफ़ी लोगों ने ऐसे पढ़ा भी होगा। यह आदि सिद्धपीठ एकेश्वर महादेव मंदिर, तो चलिए यह एकेश्वर महादेव सौजन्य से श्रीमती दीप्ति रावत जी, जो भी है सबका अपना अपना सहयोग रहता है, क्योंकि मंदिरों में तो हर कोई दान धर्म करता ही है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मनमोहक नज़ारा है, और टीन शेड वगैरह की व्यवस्था भी है ताकि कभी भविष्य में मेला वगैरह हो तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आके एक हल्का सा भजन मुझे याद आया कि देवता एगा सर देवता देणो तू भेजे द्विगति बैसाख तेरा मेलो लगी गे, तो वही वाली ये जगह है, आपने ये गाना ज़रूर सुना होगा। तो मेरे भोलेनाथ जी हमेशा ऊंची जगह में बसते हैं, तो एकेश्वर ब्लॉक भी ऊंची जगह में है। तो देखिए आप पूरा मनमोहक दृश्य, वैसे गर्भगृह की फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन भगवान से मैंने माफ़ी मांगी और आप लोगों के लिए, ताकि जितने भी लोग बाहर हैं वो एकेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कर सकें। मंदिर परिसर के बाहर खूबसूरत ये घने बांज के जंगलों के बीच में बसा हुआ था ये मंदिर, खूबसूरत देखिए। तो यहाँ पे एक पानी का पंदेरा है,
तो चलिए वहाँ की ताजगी जो उत्तराखंड में है उसको लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। जो पंदेरा मगर बोलते हैं इसे हमारे उत्तराखंड में, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से पुरानी नक्काशी है पत्थरों की कलाकारी, और कुछ यहाँ पे हिंदी लिपि में लिखा गया है। देखिए कुछ इस पर लिखा गया है, तो मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा पर, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ अब जल स्रोत देखिए आप, इसीलिए यहाँ पे देवी देवताओं का वास है। देखिए तो पुरानी नक्काशी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, और अगर आप एकेश्वर आ रहे हैं कभी तो ये मंदिर ज़रूर विजिट करिएगा, और ये पंदेरे में स्नान जरूर करिएगा। तो ये जो है, ये जो पानी है, ये भगवान भोलेनाथ जी यानी शंकर जी को चढ़ाया जाता है। तो ये पानी बांस के जड़ से आ रहा है, देखिए फ्रेश वाटर। तो राम राम सारे भैया ने, अरे वाह। तो एकेश्वर महादेव के चरणों से आ ही रहा था, तो बच्चे यहाँ पे मिल चुके हैं। अरे वाह, हो गया छुट्टी, गुड गुड। चलो 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 लाइन से चलो। तो अभी तक अनिल बनर्जी यहाँ पे पहुँचे नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है मैं दे रहा हूँ आपको, मैं किसी पार्टी बेस पे नहीं हूँ, जो जन समस्याएं हैं उनको आपके सामने ला रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे भाई साहब हैं, सब्जी विक्रेता हैं, इनकी अपनी दुकान है यहाँ पे। तो नमस्कार भाई जी, आप नाम बता दें। ऊपर बलदेव दसमाना जी हैं, आप व्यवसायी छो, आप ये बताओ कि आज बड़ा बड़ा दिग्गज नेता आना चाहिए, ये बताओ कि समस्या क्या चाहिए। कुछ लोग बना चाहिए चार दिन में एक बार आंद, आज नहीं तो जाना चाहिए, आज बंद नहीं कर। अच्छा दारक खाली नहीं तो सब्जी खाना अरे तो आप लोग इतना समझदार हो, जागरूक हो, नहीं तो गिरा दो आप, तो तिल रोते गड़क छो। तो सबसे पहले यहाँ पे ताई जी है, नमस्ते। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहीं के रहने वाले हो? हम है तो राजस्थान के। अच्छा राजस्थान के, आप यहाँ पे रहते हो, मतलब कि बहुत टाइम से पहले से ही रहते हो? 24 साल हो गए। चलो बढ़िया है, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, मतलब पानी की सबसे बड़ी दिक्कत? सबसे बड़ी दिक्कत मतलब सभी को है, जन सबको है, और कोई समस्या? और कोई बिजली की? बिजली की नहीं है, गंदगी की है। गंदगी और पानी की समस्या? चलो बढ़िया, पानी, तो ये हम सब अब दीदी लोग जुड़ गए यहाँ पे सारे, मतलब महिला मातृशक्ति एकेश्वर की। तो सबसे पहले आपका नाम? एक यहाँ पे जमादार लगना चाहिए। जोर से बोलो जरा। मनोरमा देवी, किस समस्या से आप बताओ? पानी। आज गिरान चाहिए आप नेता दे, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो अपने हाथ पैर है, जब तक हाथ पैर है तब तक चलेगा। वेगवा मुश्किल से, चलो तो आज दिख दो मात्र शक्ति की कर दिया मैंने। हाँ दुखला थी तो काम करके बढ़िया अच्छा। तुम यहाँ बताओ कि तुम्हारे झंडा तो पकड़ू छे, जब पार्टी पकड़ो मैं पार्टी बेस पर बात नहीं कर दू। तुम यहाँ बताओ समस्या क्या? समस्या पानी। एक गाना सुन चाहे मैंने, एक गाना मेरी बहुत पतरी गया बोले, तो बो कक पतरा बताओ पहले। बहुत पानी सार सारी मोर गए। चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक सर को दिक्कत दी गति बस आ बैसा आगे। चलो आपका नाम क्यों भाई? बीना देवी। बीना देवी जी, आप ये किरण दो मार्केट में के मार्केट पे? ओ मार्केट वाला बहुत तेज नहीं, बोले पानी की परेशान जमुर और कुछ नहीं। अच्छा तो चलो आज मतलब बीजेपी समर्थन करना चाहिए जो, लेकिन दिक्कत क्या है? पानी की। लड़ाई को कर दो सबसे ज्यादा यूं बेटे, जैसे पानी मिलो खतरनाक, तो देख लो भाई व्यवसायी लोग भी चिन्ह। नमस्कार दी। नमस्कार।
तो क्या दिक्कत चाहते अरे तो मुस्कुराना तो तुम्हें छो कि जब पानी आने लगे चलो सभी दीदी बुलियो चेहरा में मुस्कुराहट नहीं बनी आप क्या दिक्कत पानी की समस्या अच्छा सच बता सब ज्यादा लड़े को लड़क को पानी में चलो कोई बात नहीं की बात नहीं अब माता से थोड़ा हंसी मजाक में नहीं तो घुण की मुन जाना तुम्हें पानी की पान पूरा पक्का आज पानी पक्का चलो मैं विधि को बोल दो तुम्हें पानी होगा तो सफाई भी तो होनी चाहिए कितनी गंदगी है देखो ये पूरे मार्केट में देखो एक बार घूम के नमस्ते दीदी सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा मेरा नाम बीना देवी बीना देवी क्या दिक्कत है एकेश्वर मार्केट में अच्छा भैर बैठे मतलब जॉब वगैरह करता हुए अच्छा गाँव बैठे आया छो बाजार घूमने को अच्छा आज नहीं तो देखने गया छो की अपने काम से आया छो अपना काम भी काम है अच्छा तो आज संदेश की देर चाहो देश को विकास करा हर जगह में सफाई हर चीज से मतलब नागरिक भी जागरूक हो नेता जी भी जागरूक हो तो हम तो ये बोल रहे हैं देखो हम युवा छो तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो हम तो जागरूक होना चाहिए अब नेता जी बुला देना चाहिए हम डंडा पकड़ी चल जाना चाहो वो नहीं जहाँ पे सपोर्ट करना होगा वहाँ पे सपोर्ट करेंगे जहाँ पे विरोध करना होगा वहाँ पे विरोध करेंगे सफाई जब हम अपने घर के आगे हम करेंगे वो थोड़ा आएंगे हमारे घर के चलो वहाँ एक ऐसा लोग तो सब मतलब मुस्कान होला मिलिन में थे जितने भी मिलिन अब बहुत अच्छे लोग सबसे बात करिए चलो आज सबसे बुजुर्ग दान बड़ी बड़ी नमस्कार हाँ तो बड़ी कख दबा अंगूठा इन बताओ हाँ कख लगा अंगूठा जखम मन मयो है बॉडी बहुत तेज से देख लो एक ऐसा अच्छा तो की परेशानी छे आपा के अंदर पानी नहीं आनो मतलब जमपद आजकल सूख रूड उठे पर अरे पानी आनो दामे कौन बोले नो एक जनता तो तमाम बुनी छे कि पानी क्या जो समस्या है बड़ी अब बड़ी खो रहे हो तो भूखी पीना में जरा चलो ठीक है बड़ी चलो दानिश सब मान बाय बाय कर दो बड़ी जरा बाय बाय तो यहाँ पे जो भी मंत्री वगैरह आ रहे हैं उनका स्वागत तो हम करेंगे क्योंकि सभी लोग सम्मानित हो गए तो उनका स्वागत करना हमारा दायित्व है लेकिन पूरे एकेश्वर बाजार में सबसे पूछा मैंने तो एक ही समस्या सबकी रही है कि पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ पे पानी की समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे तो एकेश्वर मार्केट में विशाल जनसभा रैली भाजपा की तो एक खूबसूरत प्यारा सा नौगांव खाल बाजार और यहाँ पे लग चुका है जाम रोड भी थोड़ा सा संकरी है तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकावट जाम के कारण गाड़ियों के कारण क्योंकि रैली चल रही है जो तो पीछे से भी जाम खुल रहा है धीरे धीरे तो अब निकलेंगे आगे चौपाटा खाल की ओर तो पीछे से गाड़ी आ रही है फिर निकलते हैं आगे चौपाटा खाल की ओर तो फाइनली पहुँच गए यहाँ पे चौपाटा खाल आप देख सकते हैं सामने धमदेवल पिनानी पटौटी चौरीखाल बरसार और थलीसैंड के लिए रूट जा रहा है और इधर जहाँ पे जनसंपर्क हो रहा है देखिए मेला लगा हुआ है पूरा तो आज की रैली कुछ इस प्रकार है कि जैसे हमारे घर गांव में जगह जगह मंदिरों में कौथी लगता है तो उसी टाइप से खड़ियों काल है यानी चढ़ाई है इस पर सब लोग जाते हुए ढोल ढमों के साथ साथ
तो लोकेशन चेक कीजिए अल्टीमेट। और लोग देखिए अपने नेता के लिए किस प्रकार से आ रहे हैं। और ये गाड़ियों की पार्किंग वगैरह, और इधर की लोकेशन भी चेक कीजिए। तो जहाँ पे ये मंच लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन। और लोग बाग नेताओं से ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं इस लोकेशन का, इस जगह का। और भगत जी तथा जो हमारे यहाँ पर अध्यक्षगण हैं, महामंत्री हैं, पत्रकार बंधु हैं और पदाधिकारीगण हैं, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और यह कहना चाहूंगा कि 19 तारीख का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और आपने यहां से अनिल बलूनी जी को प्रचंड बहुमत से विजय बना करके भेजना है। इस समय देश को मजबूत करने के लिए एक मजबूत नेता चाहिए। टू मेक द कंट्री स्ट्रांग वी हैव टू हैव अ स्ट्रांग लीडर। और तो पीछे आप देख सकते हैं जितने भी जो भाजपा में इस बार मोर्चा संभाल रहे हैं 2024 में, तो सब लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और रैली वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे रैली वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मैं खाली लोकेशन चेक करने आया था। तो चलिए यहाँ पे जैसे एकेश्वर में रुके थे तो वहाँ पे आपको एकेश्वर का मंदिर दिखाया भोलेनाथ जी का, तो यहाँ पे एक खूबसूरत सा विद्यालय है। तो विद्यालय की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ चौपट खाल का विद्यालय कैसा है। तो इस तरह से खूबसूरत सी लोकेशन में जो विद्यालय बसाया है, ये ऊपर बसा है, लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो मौसम की खूबसूरती आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लोकेशन चेक कीजिए जो हज़ारों करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं इस लोकेशन के लिए। और सामने खूबसूरत यहाँ पे अभी नया भवन निर्माण भी हो रहा है, विद्यालय का, महाविद्यालय है ये। और ये चेक कीजिए आप सामने पीजी कॉलेज चौबटाखाल, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा। तो जो लोग पलायन करके जा चुके हैं उत्तराखंड से और वो बोलते हैं कि यहाँ अच्छी शिक्षा नीति नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, उनके लिए एक संदेश ये है कि पीछे आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत सी लोकेशन में भी यहाँ पे इतने, मतलब जो है डिग्री कॉलेज बना हुआ है तो यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों में पोस्ट ग्रेजुएट करके यहाँ से निकलते हैं। तो जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि हमन बच्चा पढ़ाना बाहर जान, यानी बच्चे पढ़ाने बाहर जा रहे हैं, तो उनके लिए संदेश है। देखिए इतना खूबसूरत शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा के साथ साथ यहाँ पे इतना खूबसूरत भवन देखिए। और आपको लोकेशन में दिखाई रहा हूँ बार बार, मेरे पीछे देखिए आप, ऐसे ही ऐसे ही एक विद्यालय है पीजी कॉलेज जेरीखाल, वहाँ पे भी बहुत अच्छी लोकेशन है और शिक्षा भी बहुत अच्छी है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ। तो एक पलायन रुक सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी लोग अपना पलायन कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ का दुख होता है, लेकिन लोकेशन यहाँ पर बहुत अच्छी और मज़ा आएगा एकदम। भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही भी दिक्कत परेशानी हो रही है, लेकिन एक खूबसूरत सी जगह मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे एक इसी के चौबटाखाल में ये खूबसूरत माँ देवी का मंदिर है, और चेक करेंगे आप तो रास्ता ये जा रहा है सामने। इतनी खूबसूरत लोकेशन यहाँ पे है, ये देखिए बांज कुलाई के पेड़, और इतनी अच्छी लोकेशन में यहाँ पे मंदिर है माता रानी का, जो कि अभी ताला लगा हुआ है, शायद ये कोई पर्सनल मंदिर हो सकता है। तो यहाँ पे घूम के काफ़ी अच्छा लगा, तो अब निकलते हैं यहाँ पे क्योंकि ताला लगा है, तो घर की ओर निकलते हैं। रैली हो चुकी है समाप्त और हम भी अब घर निकलने की तैयारी करते हैं। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार पुनः जय श्री राम, और ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। और सब लोग यहाँ से जितने भी लोग रैली पर आए थे सब लोग निकल चुके हैं घर की ओर, तो मैं भी चलता हूँ घर की ओर। तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।